कहाँ तक हो गया था? एवरीवन राइट डाउन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लिखो जनरल फॉर्म, क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये होता है बच्चा लोग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग मेंशन करो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पे मेंशन करना है क्या बच्चा? ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, समझे? ए क्या है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है ना? सर उसके नीचे जो बी कॉमा सी कॉमा उसके बाद वो वाला क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और रियल नंबर जानते हो आप लोग? यस सर। अच्छा चलो, और यहाँ पे ये लिख दो, ये कंडीशन लिखना जरूरी है कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और ए नॉट इक्वल्स टू क्या है बच्चा? ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या देख रहे हो, ये फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आपका मिल गया क्या? बी एक्स प्लस सी जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको मेंशन क्या करना पड़ेगा? ए टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये बात आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखो बच्चा लोग, ये था आप देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दिया है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि ये देखो बच्चा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बताओ? सर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है ये बताओगे? सर क्योंकि सर क्योंकि सर वो रूट एक्स पे नहीं सर, वो फाइव रूट एक्स होना चाहिए। हाँ, वो ये रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि याद रखो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इस फॉर्म में नहीं है तो उसको, जैसे कि देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है सर? है। हाँ, तो अब ये है, अब बताओ बच्चा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन ये है या नहीं है? सर नहीं है। बोलो, सोच समझ के बोलना। सर होगा, वन को इधर ले आएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। नहीं बोला। नहीं नहीं रुको, फाइनली यहाँ पे देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे? सर है। देखो इसमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, एलसीएम क्या होगा बच्चा? एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये वन है ना बच्चा, ये आपका वन है, ये क्या है? वन है, तो यहाँ से आ गया माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, समझे? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं? देखो तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ ए कितना है, तो ए कितना है बोलो? तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए कितना है बोलो? तो ए तो वन है, बी कितना है? माइनस वन है, और सी क्या है?
वन है, बोलो कोई दिक्कत? देखो बच्चा अब यहाँ पे देखोगे, कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस पेज, लो आया, समझ में आया? एवरीवन गॉट इट? यस सर। अब यही देखना, आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। ये बताओ तो 3x² + 5 = 0 ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। सर नहीं है। Yes. Yes, yeah, no. No, sir. No. ये है बच्चा लोग, देखो ये तुम्हारा ax2। ये ax2 होगा प्लस bx + c = 0, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो 3x2, अब हम बोलेंगे 0 × x + c = मतलब ये c, ये 5 होगा, 5 होगा। तो देखो बच्चा यहाँ से a = क्या मिलेगा, 3, हाँ, और b = क्या मिला, 0, और c = क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन x वाला b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है, समझा? समझा कि नहीं? हाँ सर। तो कोई बोले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये मैं क्या बोला था आपको जनरल फॉर्म में, a, b, c बिलोंग्स टू, क्या बोला था, रियल बोला था। तो ये देखो रियल, जब मैं रियल बोला था तुमको, तो रियल का मतलब क्या है, समझ पा रहे हो आप? रियल का मतलब होता है, रियल का मतलब होता है क्या, कि बी 0 हो सकता है, समझा? 0 हो सकता है, 0 एक क्या है, रियल नंबर है ना, देखो रियल है कि नहीं है? हाँ सर। तो याद रखना, आप बोलो बच्चा ये x² = 4 ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? सर है, सर है। बोलो बता लो। हाँ सर है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि 4 उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा और फिर 0x लिख देंगे, ये x - 2 और x - 3 ये क्वाड्रेटिक है × x - 3, ये बताओ है या नहीं? यस सर। यस सर है। नहीं, पहले सिंपलीफाई करो इसको तब बोलोगे, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। इसका क्या आ रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है बोलो तो? सर x² - 6 = 0। सर x² - 5x + 6 2x² - 5x आ रहा है। बट 2x² क्यों आएगा? x² - 5x + 6 = 0 ये आएगा, देख लो। समझे? बोलो बच्चा लो, आएगा ना? हाँ सर। यस सर। तो ये याद रखना बच्चा लोग आप लोग, ठीक है? तो ये इस फॉर्म में रहे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप देखो 1/x - 1 / x - 2 =
फाइव बाई, ये ले लो फाइव बाई इक्वल टू वन। तो ये देखो तो आइडेंटिफाई, दिस इज क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो ए बी सी का वैल्यू बताओ। क्वाड्रेटिक तो है, ए बी सी का वैल्यू बताओ। सर ए होगा एक्स स्क्वायर, बोलो क्या आएगा सर। ए तो होगा एक्स स्क्वायर, हाँ फिर माइनस थ्री एक्स। म्यूट कर लो, किसका आवाज आ रहा है इतना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। और सर फिर आएगा माइनस फाइव थ्री, सर माइनस थ्री आएगा। नो सर माइनस सेवन, माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर। ए कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बस, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ये ना बोलते हैं, तो स्क्वायर छोड़ के बोलोगे ना। वन वन बी बताओ। माइनस थ्री। सी बताओ। माइनस सेवन। माइनस थ्री। माइनस सेवन यही आ रहा है। मेरा माइनस थ्री आ रहा है सी में। चलो देखते हैं कर दूं क्या मैं। और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ओके हो गया। ये हो गया तो यहाँ से ए आ गया वन, बी आ गया माइनस थ्री, सी आ गया माइनस थ्री। देख लो, देखना तो बता लो, कोई दिक्कत है? आप देखो आइडेंटिफाई वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ए और बी सी का वैल्यू बताओ सर। हाँ सर, पिछला क्वेश्चन में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट क्यों नहीं किए? नहीं फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है तुमको सर। स्प्लिट कर जब फैक्टराइजेशन, देखो यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन बोलेगा तभी तो स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे देखो तो यही था ना। हाँ सर। तो अगर जब ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, ठीक है? और अगर बोलता सॉल्व करने के लिए तब फैक्टराइज करते हैं। सर स्प्लिट स्प्लिट करके वैल्यू उसका नहीं निकाल सकते क्या? कैसे स्प्लिट करोगे? मतलब ए बी सी बोल रहा हूँ निकालने के लिए, तो तुमको ये तुम्हारा फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ना। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। हाँ बोलो सर। आंसर बताए किसका? सर आंसर आ गया है, वो तीन जो आप अभी दिए थे, 1/x + 1/x + 1। हाँ सर इसका आंसर है। इतना बता रहे हो? यस सर। यस सर। बोलो सर। ए का वैल्यू 1 सर। माइनस 1 सर। 1 b = -1, b = 2 और
सी इक्वल्स टू मतलब जीरो। नो सर, ए इक्वल टू वन होगा, बी इक्वल टू माइनस वन होगा और सी इक्वल टू भी माइनस वन होगा। इक्वेशन क्या आया है तुम लोगों का, चलो देखते हैं सर। एक्स स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ से हम x, x प्लस वन होगा, ये x प्लस वन और प्लस x इक्वल टू वन, तो ये आया 2x प्लस वन और ये आ गया x स्क्वायर प्लस x। ये देखो फाइनली x स्क्वायर माइनस, इधर में ले गया तो माइनस क्या होगा, माइनस x माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो सर यही तो बोल रहा था, वन माइनस वन माइनस वन और वो टू थ्री जीरो, क्या ये आ गया वन, बी माइनस वन, सी माइनस वन। हाँ तुम्हारा सही है। सर कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है। समझा? यस सर, समझ गए। तो इस तरह से निकाल सकते हो ना आराम से। बोलो आप, देखो फाइनली यहाँ पे देखो, तो इस तरह से निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग। यहाँ पे देखो अब है वन बाई, मेरा कॉपी नहीं हुआ। अच्छा रुक जाओ, वन बाई टू एक्स बाय ये है x प्लस टू प्लस वन, ठीक है। तो ये इसको आप लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बदलो और a और b मतलब क्वाड्रेटिक है या नहीं है वो बताना है, अगर है तो a एंड b का वैल्यू बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो सर, क्वेश्चन में वन बाई x प्लस टू प्लस वन है या फिर वन बाई x प्लस टू एक चीज है प्लस वन दूसरा चीज है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। अच्छा अलग है, ठीक। प्लस वन प्लस वन यहाँ है। चलो ये क्वेश्चन कीजिए, आप इससे पहले नोट नहीं किए हो ना, ये वाला पेज देख लीजिए। कहीं से किसी का बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, सब उत्सव का माइक अनम्यूट है सर, उससे आवाज आ रहा है सर। ओके अब नेक्स्ट पेज। यस सर, पीछे से आ रहा है। अच्छा बोलो बच्चा इसका क्या आया? अच्छा चलो ये देख ली ना, बोलो लिख ली ना सर। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन ये देखो, सर हो गया। ए और बी सी का वैल्यू बताओ तो। सर ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू फाइव और सी का टू। ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू फाइव, सी का टू। अब का आया क्या? हाँ सर, आप लिखो, आप लिखोगे बच्चा? सर रुक जाइए, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ तो देखो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बोलो। हाँ या ना, आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ सर, आप हाँ सर सकते हो कि मैं इक्वेशन दे दूँ और ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। आप लिखो ego heading to how to solve quadratic equations, how to solve quadratic equations।
पहला लिखोगे फैक्टराइजेशन मेथड, व्हाट फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं फैक्टराइजेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बोलो प्रोसेस मैं बता दूंगा। क्या नहीं पढ़ा चुका हूँ? हाँ सर, फैक्टराइजेशन करना हम लोग सीख गए हैं ना। Yes, हाँ सर, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं वो समझ में आ गया है ना। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसको आप लोग क्या पहचान सकते हो, तो जैसे कि दे दिया आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, याद रखना। और एक बात याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है, टू रूट्स आता है। क्या आता है लिख लो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग टू रूट्स। अब रूट्स किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू रूट्स। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट वाला देखो, x माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। इसका आपको x का वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, ठीक है, क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। तो इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करो और फैक्टराइज करो और x का वैल्यू निकालो। तो सर हो गया सर, x का वैल्यू क्या आया सर? दो वैल्यू आ रहा है। हाँ दो को अभी तो बताया ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आएगा ऑलवेज। सर एक वैल्यू आ रहा है प्लस थ्री, एक आ रहा है माइनस टू। यस सर, यस सर। पहले तो देखो बच्चा इसको मैं बता देता हूँ, चलो आत्म बढ़ता हूँ आगे आगे। इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री, यहाँ से टू कॉमन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ देखो एक्स माइनस थ्री कॉमन, तो x माइनस थ्री और x प्लस इक्वल टू जीरो। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो के इक्वल्स है, जीरो के इक्वल्स। तो यहां से आएगा x इक्वल टू थ्री और x इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू, माइनस टू कॉमा थ्री लिख लो, सही है। सर मेरा तो साइन तो उल्टा है, मतलब मेरा एक सी माइनस थ्री आया और माइनस थ्री प्लस टू। यस सर, मेरा भी वही जा रहा है सर, साइन उल्टा है, मतलब एक सी गर्ल्स टू माइनस थ्री और एक सी गर्ल्स टू प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू आ रहा। माइनस थ्री कैसे आएगा सर? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो थ्री माइनस टू है वो उसको जब बाहर निकलता है तो माइनस थ्री प्लस टू आ रहा। देखो ये तो आपका माइनस एक्स है, समझिए। तो ये देखो ना,
सही दोनों का प्रोडक्ट मिडिल टर्म को ऐसे ही करेंगे ना। सही करो, देखो गलत हो गया तुम लोगों का। समझ में आया नहीं आया? समझ में सर? समझ में आ गया। आ गया कि नहीं? एक्स का वैल्यू 3, -2 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड से तो आसान है। अब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ, ये बताओ तो थोड़ा सा आगे का पेज दिखा सकते हैं सर? सर इसके लिए कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ हाँ, फॉर्मूला में आऊंगा अभी, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है सर? देख लिए? हाँ सर, लिख चुके हैं। आगे बढ़े हैं? नहीं तो आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो फैक्टराइजेशन, देखो आप क्वेश्चन लो, x²-7x, एक मिनट रुक जाओ, 7x, जस्ट वेट, x²-3x+2=0, एक्स का वैल्यू जल्दी जल्दी निकालो। मैं फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उस पे आऊंगा, पहले फैक्टराइजेशन से निकालो उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर x=1 or 2? यस सर। हेलो, x 1 or 2? यस यस सर। सही है, आगे बढ़ो। देखो फैक्टराइजेशन तो आसान है ना बच्चा लोग, बोलो। यस सर। आप देखो आपको निकालना है 1/(x-1)+(1/(x-2)=1। सर इक्वेशन तो आ गया बट स्प्लिट नहीं हो रहा है। स्प्लिट नहीं हो रहा है? नो सर, रुकिए रुकिए,
हाँ सर रुकिए, नहीं सर स्प्लिट नहीं होगा ये सर, हो जाएगा शायद, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। नहीं सर वो बीच में माइनस थ्री एक्स आ रहा है सो नहीं हो रहा है, बीच में माइनस फाइव एक्स आ रहा, अच्छा थ्री एक्स आ रहा है, इसलिए थ्री एक्स आ रहा है और लास्ट फाइव आ रहा है। रुको फाइनली देखो, जो स्प्लिट ना हो ना, मतलब जो मिडिल टर्म जिसमें स्प्लिट ना हो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है ना इसमें सर डिस्क्रिमिनेंट। हाँ एक्स माइनस, ये देखो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है, ये आ जाएगा एक्स माइनस टू और ये प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, तो यहाँ पे देखो आ गया क्या 2x माइनस थ्री, ठीक है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बचा लो, ठीक है, तो यहाँ से मिला क्या एक्स स्क्वायर और ये माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो मिला। बोलो हाँ सर, अब इसको कैसे स्प्लिट कीजिएगा, फाइव तो प्राइम नंबर है ना। हाँ तो देखो अब स्प्लिट नहीं हो रहा है ना, अब स्प्लिट नहीं होगा तो इसके लिए बच्चा जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो आया, अब ये स्प्लिट नहीं होगा तो इसके लिए आप लोग लिखोगे सेकंड मेथड लिखोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये है फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये होता है, और समझ में आया? नो सर। ओके दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी, सर आपका वो माइनस फाइव एक्स कैसे आया वही पर डाउट है, वो तो मेरा भी माइनस फाइव एक्स ही आया है। हाँ सर माइनस फाइव एक्स ही आएगा, कैसे आएगा देखो, कैसे इससे पहले वाला को पेज में है, कैसे सर वो बी स्क्वायर माइनस क्या लिखे हैं सर रूट के अंदर, देखो यही है ना, हाँ आ रहे हैं तो ये लिख लिया, बोलो। हाँ सर, सर रुक जाइए, तो देखो बच्चा यहाँ पे a क्या है वन है, b क्या है माइनस फाइव है और c क्या है फाइव है, सर ये फॉर्मूला मेरे को पापा एक बार बताए थे। सर वो फॉर्मूला मुझे पापा एक बार बताए थे। कौन सा फॉर्मूला? वो जो अभी आप नहीं लिखे थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वो वाला। हाँ तो क्या जानना चाहते हो सर, बी स्क्वायर के बाद क्या लिखे हैं, बी स्क्वायर माइनस माइनस फोर ए सी है बच्चा, ठीक है सर। मैं भूल गया कि वहाँ प्लस होता है कि माइनस होता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों लिखा रहता है प्लस माइनस, दोनों होता है प्लस माइनस दोनों, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो बच्चा तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो ये देखना, और इसको हम ना डी, इसको हम डी बोलते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम क्या बोलते हैं। हाँ सर वो बी स्क्वायर माइनस क्या है रूट के अंदर फोर ए सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, लिख लो सर। तो हमको तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो हमको ये d से क्या मतलब है, रूट अंडर d वाला है वो। हाँ हाँ हाँ
सर तो डायरेक्टली एक्स वाला फॉर्मूला में क्यों नहीं निकालेंगे, डी क्यों निकालेंगे पहले? नहीं नहीं डी फाइनली मैं बता दिया तुमको कि इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट बोलेगा तो क्या बोलोगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, समझा? हाँ सर। तो देखो बच्चा, आप ये फॉर्मूला में पुट करके निकालो तो सभी बच्चे, ये तुमको यहाँ पे कितना है, ए है मेरा वन, ए क्या है वन, बी है माइनस फाइव, सी है फाइव, तो 5 प्लस रूट 5 बाय 2 और 5 माइनस रूट 5 बाय 2। क्या बोल रहे हो? सो 5 प्लस रूट 5 बाय 2 और 5 माइनस रूट 5 बाय 2। अच्छा, x इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 बाय 2 और 5 माइनस रूट 5 बाय 2। यही आ रहा है क्या? देखो तो सारे बच्चे, देखो यही आ रहा है क्या? सर 5 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। क्या आया सर? x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ तो देखो ये देखो, दो वैल्यू आया ना, एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे, ठीक है? तो ठीक है सर, x का दो वैल्यू आएगा। अब एक बात याद रखना, जो प्लस वाला आता है ना उसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। जो प्लस वाला आता है अल्फा, इसको बीटा। माइनस वाला को क्या बोलते हैं? बीटा। समझ में आया? एवरीवन गॉट इट? सबको समझ में आ गया? हाँ पूछ लो बच्चा, क्या पूछना है? सर नथिंग, आपने बताया कि समझ में आया, सो आई टोल्ड यस सर। ओके चलो, तो मतलब जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो तो उसको क्या करोगे आप? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे, ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या याद रखोगे? x इक्वल्स टू, बोलो बोलो मेरे साथ फॉर्मूला बोलो। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी डिवाइडेड बाय टू ए। हाँ चलो देखिए बच्चा लो, जैसे कि मैं, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। आप देखो बच्चा, ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बोलो। सर है सर, ये स्प्लिट नहीं हो सकता इसलिए फॉर्मूला से बनाएंगे। हाँ तो फॉर्मूला से जल्दी जल्दी एक्स का वैल्यू निकाल। Thank you.
मुझसे नहीं हो रहा है सर, हो गया। सर आया? सर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? रूट के अंदर में माइनस नहीं आना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना। क्या आ रहा है बोलो तो। सर माइनस रूट थ्री प्लस थ्री रूट अंडर माइनस वन बाई टू एक्स। ये प्लस कर लो तो तब पर भी आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, इसको वन कर लो बच्चा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, रुक जाओ इसको तुम लोग थ्री रूट थ्री कर लो, थ्री रूट थ्री और ये वन कर लो। अब बताओ तो, अब इमेजिनरी नहीं आएगा। अब करो तो बच्चा, माइनस नहीं आना चाहिए था रूट में, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो क्वेश्चन में चेंज कर दिया बच्चा लोग। अब आप लोग करो, हाँ सर हो गया, इस बार नहीं आया है माइनस अंदर में। यस सर, कितना आया बताओ तो। सर आ रहा है थ्री रूट थ्री प्लस रूट अंडर 23 डिवाइडेड बाय टू, और दूसरा वैल्यू है थ्री रूट थ्री माइनस रूट 23 बाय टू। थ्री, सर ये मेरा नहीं आ रहा सर, थ्री रूट थ्री माइनस रूट 23। तो माइनस थ्री रूट थ्री होगा ना, क्योंकि माइनस भी होता है। हाँ हाँ माइनस होगा, सही बोला। सर डिवाइडेड बाय टू, और डिवाइडेड बाय टू ये माइनस है। पहले प्लस वाला लिखोगे, पहले प्लस वाला लिखोगे। हाँ सर, और उसके बाद माइनस वाला लिखो। माइनस वाला क्या आया सर? वही है, खाली माइनस रूट 23 है। 23 बाय 2 यही आएगा। यस सर। चलिए तो सबका आ गया, बोलो तो पूछ लोगे। नहीं, तो कर दूं इसको, इसको सॉल्व कर दूं मैं। यस। तब ये देखिए यहाँ पे, ये ए है यहाँ पे वन, बी है थ्री रूट थ्री और सी है वन, है ना? ए बी सी मिल गया। अब मुझे देखो बच्चा,
अब x तो देखो b स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट अलग से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली x में आपको पुट करना है, तो देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, यही होता है ना, यही होता है ना, बोलो। तो यहाँ यहाँ से देखो तो बी, तो बी देखो माइनस थ्री रूट थ्री, आप प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकाल सकते हो, ठीक है, मतलब डी देखो तो रूट ओवर यहाँ पे डी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देखो तो बी स्क्वायर किसका है, थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, तो ये आया नाइन इंटू थ्री, तो नाइन इंटू थ्री कितना आएगा, 27 माइनस 4, तो ये आ गया क्या 23, तो देखो रूट ओवर डी होगा तो रूट ओवर 23 होगा, अब आई 2 इंटू ए, ए कितना है 1, हो गया काम खत्म। डी निकाल लिए, आप मुझे एक्स चाहिए तो एक बार प्लस वाला ले लो एक्स, एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, तो माइनस थ्री रूट थ्री प्लस रूट ओवर 23, 23 आया डिवाइडेड बाय 2 और माइनस थ्री रूट थ्री माइनस रूट ओवर 23 बाय 2, समझे। एवरीवन गॉट इट, आया ना? यस सर। तो फॉर्मूला पे हम लोग कैसे निकालते, देखो फाइनली याद रखना x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है, ये याद रखना। और यहां से तुम्हारा क्या आ गया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय टू इंटू ए, ठीक है, तो d आएगा, देखो d इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को d बोलते हैं, ठीक है, तो आपको बोल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ, आप तुम लोग कर सकते हो, सर प्लस थ्री प्लस रूट अंडर सर पूरा निकाल के, निकाल के बोलो, निकाल सर, हाँ सर निकाल के रूट अंडर फाइव बाई टू और होगा प्लस थ्री और फिर माइनस रूट अंडर फाइव बाई टू, एक्स इक्वल टू रूट अंडर से पहले प्लस थ्री होगा, हाँ प्लस थ्री हो जाएगा ना, यस प्लस थ्री, आगे बोलो, फिर प्लस रूट फाइव, रूट फाइव बाय टू और उसके बाद फिर एक थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू, सही है, चलो लिख लो, लिख लो बच्चा लोग, सर सर यही आंसर है सर, बट एक चीज पूछना था सर, एक्स का एक्चुअल वैल्यू कौन है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? नहीं नहीं देखो देखो ये नहीं बोल सकते हम एक्चुअल, ठीक है, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, ठीक है,
एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, समझा? मतलब कोई कोई बंदा दो भाई है तो उसमें बोलेंगे क्या कि एक्चुअल भाई कौन सा है, ऐसा नहीं ना पूछ सकते हैं, दोनों भाई है तो भाई है, ठीक है? हाँ तो सर, ऐसा नहीं बोलेंगे ना एक्चुअल भाई कौन सा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, मतलब दोनों होगा, दोनों ही सही है सर। हाँ दोनों ही। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, जल्दी जल्दी बताओ। सर सेवन प्लस रूट अंडर 29 बाई टू और सेवन माइनस रूट अंडर 29 बाई टू। हाँ तो सेवन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो 25 होगा ना? हाँ नहीं 29 चाहिए, 29 इज करेक्ट आंसर। सर सर यही आंसर होगा 29 बाई टू ना, आप लिखो। हाँ सर, सर 7 माइनस 29 बाई टू, 7 माइनस 29 बाई टू, 7 प्लस 29 बाई टू। हाँ हाँ माइनस रूट रूट ओवर ना 7 प्लस 29 बाई टू। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, रूट ओवर बोलना, हाँ सर रूट ओवर बोलना भूल गए। अच्छा चलो तो एक बात देखो बच्चा, अरे मेरा नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, नहीं सर। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे देखो ए क्या है वन है, बी क्या है माइनस सेवन है, और सी क्या है फाइव है, ठीक है? तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, है ना? तो यहाँ पे देखो माइनस बी, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस सेवन, अब प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के बदला में क्या लिखोगे 49 लिखोगे, अब माइनस फोर ए सी, तो फिर फोर ए सी माइनस 20 बाई टू इंटू ए, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम इंटू वन, ये आ गया 7 प्लस माइनस रूट ओवर 29 बाय 2 ना, तो ये देखो। हाँ सर, तो एक बार प्लस वाला आ गया, एक बार माइनस वाला आ गया कि नहीं आ गया? एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला आएगा ना? हाँ सर आया। आप लिखिए बच्चा लोग, देखो यहाँ पे देखो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या है, माइनस बी प्लस माइनस, बोलो सारे बच्चे साथ में, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर माइनस फोर एसी बाय टू ए। हाँ तो ये एक्स का फॉर्मूला है, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, साइड में लिख लो व्हाट दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे एक अल्फा बोलते हैं, देखो
एक्स का इसमें दो वैल्यू है ना, तो हम क्या बोलते हैं अल्फा किसको बोलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को, समझे? हाँ सर। और अल्फा जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझा? यहाँ देखो ये माइनस बी और ये क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अल्फा पॉजिटिव लिया, अब एक बीटा लेगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, समझा? तो यहाँ पे देखो बच्चा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। तो लिख लो बच्चा जीरो आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, अल्फा प्लस बीटा जीरो नहीं आएगा। देखो अगर दोनों अल्फा प्लस बीटा को ऐड करो तो ये देखो ये प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये माइनस है, माइनस है, एलसीएम दोनों का सेम होगा तो ये होगा तुम्हारा माइनस बी बाई ए होगा। देखो अल्फा बीटा दिया हुआ है बच्चा लोग, तो माइनस टू बी ना, माइनस टू बी बाई ए बाई टू, टू टू कैंसिल आउट ना? हाँ सर, हाँ सर, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चा सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। और इसी तरह आप लोग निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। यस सर, सी बाई ए ही होगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, फिर फोर ए, फोर ए भी कट जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बच्चा सर सी बाई ए, और सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहोगे तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे लगेगा सर। अगर कहीं पे सम ऑफ रूट्स दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ, फिर बोलेगा रूट्स निकालने तक, ये नहीं नहीं देखो ना उसमें क्या कैसे पूछा जाता है, मैं बताऊंगा ना आगे, अभी ये लिख लो ना। एक्सक्यूज मी सर, सर वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए कैसे आ रहा है? अच्छा देखो अल्फा तुम्हारा दिया हुआ है, चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट तुमको प्रूफ करना है ना, आओ हम लोग बात करते हैं, सी बाई ए लाना है, ठीक है। तो याद रखना अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा सी बाई ए। तो चलो मैं प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए ना, तो अल्फा तुम्हारा क्या था, देखो अल्फा है तुम्हारा माइनस बी प्लस माइनस, ये देखो रूट ओवर डी बोलेंगे डी बाय टू ए, बोलो हाँ या ना। और बीटा को क्या बोलेंगे माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाय टू ए, हाँ या ना, बोलो। यस सर। नहीं बोलेंगे, बोलो। यस सर, बोले तो हाँ सर बोलेंगे। हाँ तो अल्फा इंटू बीटा, नहीं तुम ही बोल रहा था और सारे बच्चे चुप थे इसलिए मैं बोल रहा। नहीं सर बोले क्यों रहे? हाँ हाँ देखो तो यहाँ से देखो बच्चा अल्फा इंटू बीटा, देखो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ देखो तो बी बीटा का मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ऑफ डी का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। यस सर। ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फोर ए, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा
यस सर। अब ये देखो b का स्क्वायर आ गया मुझे, b का स्क्वायर अब माइनस d, माइनस d ना, d का स्क्वायर क्या हो गया d, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई 4a स्क्वायर आया। अब देखो बच्चा b स्क्वायर ये माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a, ये कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, फोर फोर कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा सी बाई ए बचा। देखो जादू हो गया, यस सी बाई ए आया कि नहीं आया सर, आया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या रखोगे यार, सी बाई ए, ठीक है, ये हम लोग तो अल्फा बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, लिख लो साइड में, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू c by a, sum of roots minus b by sir, sir 4a square कैसे कट गया sir, square तो कैसे कट गया, तो इसको clear में चाहिए, clear समझाएं। देखो बच्चा 4 into a तो फिर a cancel होगा, देखो b square minus a plus है, cancel out हो गया, क्या 4ac by 4a square, तो देखो नीचे में एक a से ये a कटेगा, हाँ सर, 4 से कटा, तो ये c by a ही तो बचा ना। अच्छा ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा क्या बचा मुझे, c by a मिला, कोई दिक्कत सर, नो दिक्कत सर। आप लिखो बच्चा नेचर ऑफ रूट, आप लिखोगे तुम लोग नेचर ऑफ रूट, ये मैं डिलीट कर सकता हूँ, यस सर। सर नेचर ऑफ रूट का मतलब, हाँ अभी समझाई तो रहा हूँ ना, रुको ना, देखो नेचर ऑफ रूट जैसे कि देखो डी, हम लोग नेचर ऑफ रूट किससे पता करते हैं, डी निकाल के, देखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही होता है डी, यस सर, यस। तो देखो बच्चा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुमको बोले नेचर पता करने के लिए, तो अगर केस वन में लिखोगे, केस वन में लिखोगे इफ डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो मतलब डी अगर मिल जाए तुमको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देन बोलोगे क्या, देन लिखोगे आप लोग रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मैं बताऊंगा, ठीक है, ये पहले लिखो, डी ग्रेटर देन जीरो के लिए आप लोग क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, केस टू में If d equals to zero, d equals to zero, तो आप लोग क्या लिखोगे, roots are equal, मतलब roots are real and equal, लिखो यहाँ पे real and equal, just wait, if d equals to zero roots are real
एंड इक्वल होगा इफ डी इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा बच्चा लोग अब मैं ये क्या लिखा रहा हूं आपको बताऊंगा थर्ड नंबर केस में लिखोगे थर्ड में क्या लिखोगे बच्चा चलो सर इफ डी लेस देन जीरो केस थर्ड में लिखोगे इफ डी लेस देन जीरो बच्चा लोग ठीक है डी लेस देन जीरो तो देन क्या होगा तुम्हारा मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा लेस देन जीरो होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी इमेजिनरी समझा अब मैं क्या बताया अब सारे कंडीशन तीनों कंडीशन तुम लोगों के हाथ में है बोलो यस सर अब देखो बच्चा मैं क्या पूछूंगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स दे दिया बोला और ये इक्वल्स टू जीरो है ये इक्वल्स टू जीरो तो मैं बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है मतलब नेचर ऑफ फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया लिखो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ठीक है ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो बच्चा लोग है फर्स्ट है तो देखो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो इसका मुझे नेचर निकालना है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे पहले डी के पास जाएंगे तो डी निकालो तुम लोग कितना आ रहा है बताओ डी कितना आ रहा है रूट माइनस में आ रहा है नहीं 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 डी कितना आ रहा है डी डी आया आप लोगों का सर हाँ बोलो बोलो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी निकालो ना कितना इजी है -27/2a -27/a डी का वैल्यू क्या आएगा ये बताओ ना बस तुम लोग डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नहीं निकाल सकते हो क्या बोलो तो -15/2 कितना आया -15/2
यार तुम लोग क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। देखो बी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर होगा अब माइनस फोर ए सी, फोर ए सी क्या है सिक्स, तो ये तो आप देखो 24, देखो ये आ गया 9 माइनस 24, तो 24 कितना आएगा बोलो, 24 में से 9 गया तो 15, हाँ तो माइनस 15 आया आएगा। तो ये देखो ये है डी लेस देन जीरो, तो ये माइनस 15 क्या है लेस देन जीरो वाला केस है ना, तो लेस देन जीरो में क्या लिखोगे, रूट्स आर इमेजिनरी लिखो, देन रूट्स आर इफ डी लेस देन जीरो, मतलब ये माइनस 15 क्या है जीरो से छोटा है, देन रूट्स आर, देन रूट्स आर इमेजिनरी लिखो। माइनस 15 बाई 2 कैसे आ रहा है तुम लोगों का, 15 बाई 2 आएगा थोड़ी है, ये भी निकालने नहीं आता है। देखो तो ये रूट्स क्या आएगा, जैसे कि देखो आप निकालोगे आप लोग किसका, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, जल्दी निकालो। इमेजिनरी रूट सर, नो सर, नो सर, नो सर, सॉरी नो सर, सर अनइक्वल एंड रियल रूट्स, यस सर अनइक्वल एंड रियल रूट्स, रियल रूट्स वन आर है, पहले मुझे बताओ डी क्या आ रहा है, वन 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 डी वन आया, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, अनइक्वल एंड रियल रूट्स, रियल पहले बोलोगे रियल एंड अनइक्वल बोलोगे, समझा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, समझा कि नहीं बच्चा लोग सारे बच्चे, यस सर, देखो इसका नेचर बताना है, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, इसका नेचर बताओ जल्दी 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 बच्चा लोग करो, नेचर मुझे बताओ, नेचर ऑफ रूट, सर डी बराबर जीरो है क्या, हेलो सर, हाँ बोलो सर, डी बराबर जीरो है क्या, डी जीरो आ रहा है, और सारे बच्चे बताओ क्या आएगा, डी जीरो आ रहा है, नहीं सर,
हाँ सर मेरा जीरो ही आ रहा है। कितने लोगों का जीरो आ रहा है बच्चा लोग? सर मेरा भी जीरो आ रहा है। तो रूट्स क्या होगा अगर डी जीरो आ रहा है तो? सर रियल एंड इक्वल। हाँ चलो इसका देखता हूँ। एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू टू। ए बच्चा तो फिर एक्स एक्स कैंसिल आउट, इधर माइनस वन, ये आ गया क्या टू इंटू एक्स माइनस वन आया, तो ये आ गया क्या टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो फाइनली टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो यही आएगा आ रहा है क्या? तो बी स्क्वायर माइनस ए, तो बी देखो बी स्क्वायर तो फोर का है, मतलब फोर माइनस फोर ए सी, तो माइनस एट माइनस फोर आ रहा है रे। देखो तो नहीं माइनस फोर आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो माइनस फोर आएगा तो क्या होगा? डी लेस देन जीरो ना, तो रूट्स आर इमेजिनरी होगा ना बच्चा लोग, नहीं होगा? बोलो बोलो नहीं जीरो कैसे आ रहा? तो इसका रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी होगा, लिख लो आप होमवर्क ले लो। चलो बच्चा लोग हम लोग होमवर्क लेते हैं। ओके फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट में है तुम्हारा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, सेकेंड में है तुम्हारा थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। थर्ड वन ले लो x माइनस टू और x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। आप फोर्थ वन ले लो x माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये सब का नेचर आप लोग निकाल के लेके आओगे, लिख लो जल्दी जल्दी सब। ये होमवर्क आप लोग लिख लो। हाँ लिख लिए, लिख लिए बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ठीक है हम लोग आज यहीं तक एंड करते हैं क्लास का, ठीक है। ये होमवर्क आप लोग अगले क्लास में दिखाओगे। थैंक यू एवरीवन। बाय सर। Bye.